इस वीडियो में आप सभी समझेंगे अगर एनआईएस में आप लोगों को अपने नाम में करेक्शन कराना है तो उसके लिए क्या नियम है, क्या आपको प्रक्रिया का पालन करना होगा, क्या प्रोसेस को आपने फॉलो करना होगा, तभी जाकर के आपका जो रिक्वेस्ट है अपना नेम करेक्शन का वो आपका एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज इट विल बी सस्पेंडेड। उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा या साधारण भाषा में उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उस पर कोई भी आपका अमल नहीं करा जाएगा। इस बात को आप लोग सुन लीजिए और समझ लीजिए। यहां पर आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि स्टूडेंट ने यहां पर फादर नेम चेंज के लिए अपना ई सर्विस के माध्यम से अप्लाई करा था, लेकिन अप्लाई करने के बाद उसने फीस भी कटाई, लेकिन एनआईएस की तरफ से क्या जवाब आया, सस्पेंडेड, मतलब उसको रिजेक्ट कर दिया गया। प्रॉपर गाइडेंस के साथ हर बायलॉस को फॉलो किया तो मदर नेम चेंज फादर नेम चेंज दोनों के लिए अप्लाई किया गया और दोनों चीजें आपकी अप्रूव्ड भी हुई हैं। तो यही बात आपको समझानी है कि आपने क्या करना है ताकि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव्ड हो, और आपने क्या नहीं करना है जिस वजह से आपकी सर्विस या आपकी रिक्वेस्ट को सस्पेंड कर दिया जाए। सावधानी पूर्वक एक एक चीज को सुने और समझने की कोशिश करें और उसी के हिसाब से पालन करें, तभी जाकर के अपनी फीस इसमें ऑनलाइन में कटवाना, अदरवाइज सारा पैसा वेस्ट होगा। तो बात हम लोग कर रहे हैं लर्नर्स के नेम में करेक्शन करने की, मतलब जो बच्चे का नाम है वो अपने नाम में परिवर्तन करना चाह रहा है या करेक्शन कराना चाह रहा है, उसके लिए क्या नियम कहता है। एग्जिस्टिंग नियम मतलब अभी तक जो नियम चल रहे थे और अब से जो नियम चलेंगे वो यहां पर लिखे हैं रिवाइज्ड नॉर्म्स के अंतर। क्लियर है, ये दो बात आप लोग समझ गए होंगे। अब यहां पर समझिए, जो पुराना नियम कहता था उसने एक बाउंडेशन लगा रखी थी 3 साल की। 3 साल की क्या बाउंडेशन थी कि अगर जिस तारीख को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उस तारीख से लेकर के अगली 3 साल के अंतर्गत आप लोग अपने नाम में परिवर्तन करा सकते हैं, उसके बाद आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। कहने का मतलब है अगर किसी बच्चे ने सन 2022 में अपना रिजल्ट पास करा है, उसका रिजल्ट आया है मतलब, तो उसके पास केवल अगले 3 साल के लिए ही समय है, मतलब सन 2013, सन 2014 और सन 2015। इन 3 साल के अंतर्गत अगर उसने अपने नाम में करेक्शन करा लिया तो ठीक है, 3 साल पूरा होने के बाद उसके नाम में करेक्शन नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, ये कहता था अभी तक जो नियम चल रहा था जिस तारीख से अधिसूचना जारी करी गई है उससे पहले का। लेकिन एक नया नियम यहां पर अब बनाया गया है या लागू किया गया है जो आप रिवाइज्ड नॉर्म्स के अंतर्गत देख रहे हैं, जिसमें क्लियर रूप से टाइम रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है कि अब कोई समय की बाध्यता नहीं है। बच्चे ने 2012 में पास करा है ना चाहे, या कभी भी पास करा है, अब उसके लिए कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि उसके 3 साल होने चाहिए, 5 साल होने चाहिए, अब वो जब भी आए अपना नाम चेंज करा सकता है। क्लियरली ये है इसका मतलब। अब इससे आप लोग समझ गए कि भाई आप अपना नाम तो चेंज करा लेंगे लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी साथ में अपलोड करने होंगे। ऐसा नहीं है कि मर्जी मुताबिक आप नेम चेंज कराना चाह रहे हैं और एक खाली आप एक छोटा सा डॉक्यूमेंट को डाल देंगे और आपका नेम चेंज अप्रूव्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 2 तरह के मुख्य दस्तावेज आपको साथ में ब्राउज करके इस डॉक्यूमेंट के साथ या इस रिक्वेस्ट को जब आप कर रहे होंगे तो वहां पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का एक आपको कॉर्नर मिलेगा, तो आपको ये डॉक्यूमेंट साथ में अपलोड करने होंगे। वो डॉक्यूमेंट क्या है, 2 न्यूज़पेपर कटिंग और 1 गजट नोटिफिकेशन इस चीज का। अब ये दोनों चीजें सुन तो ली लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग समझ लेते हैं साधारण भाषा में। असली बात अब शुरू हो रही है आप लोगों के लिए, जो आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट करने हैं उसको समझिए ध्यानपूर्वक। तो यहां पर आपने 2 चीजें समझी हैं, कौन कौन सी। एक तो आप लोगों ने सुना कि न्यूज़पेपर चाहिए हमें, एक तो चाहिए न्यूज़पेपर और दूसरा चाहिए हमें इसका गजट नोटिफिकेशन। क्लियर बात, ये 2 डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। अब इन 2 डॉक्यूमेंट को आप लोग कैसे प्राप्त करेंगे, मैं इसका पूरा एक टाइमलाइन बताता हूं कि किस तरीके से आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, फर्स्ट स्टेप, पहली स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, आपने जाना है किसी भी एडवोकेट के पास। एडवोकेट के पास जाकर के आपने बोलना है भाई मेरे को एक 10 रुपए का आप एक एफिडेविट बना के दे दो कि मैं अपना नाम चेंज कर रहा हूं। किसके लिए, नेम चेंज या नेम करेक्शन,
जैसा भी आपका केस है। अगर आप नाम में परिवर्तन कर रहे हैं या नाम में सुधार कर रहे हैं, जो भी बात है, आप दोनों में से जिस कैटेगरी के हैं आप उससे रिलेटेड एक एफिडेविट बनवाएंगे। वकील से आपने एफिडेविट बनवा दिया, उसके बाद सेकंड स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, सेकंड स्टेप में अब आपको जाना है न्यूज़पेपर की जो एजेंसी होती है, इनके अपने ऑफिस भी होते हैं, आप वहां भी जा सकते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर एजेंसी में चले जाओ, वहां जाकर के आपने क्या करना है, उनके जो भी न्यूज़पेपर आते हैं उसमें आपने अपना एक एडवर्टाइजमेंट प्रिंट कराना है, एक आपने एडवर्टाइजमेंट प्रिंट कराना है, या जिसे हिंदी में आप लोग विज्ञापन भी कहते हैं कि भाई मुझे अपना एक इसमें विज्ञापन भी प्रकाशित कराना है। अब ये विज्ञापन किससे संबंधित होगा, इसमें आप लोग इस चीज के बारे में डिक्लेरेशन करेंगे कि आपने जो अपना नाम है वो परिवर्तन कर दिया है, पहले ये था और अब से ये है, पहले ये था जो गलत छपा हुआ था तो वो, या जो आप अभी तक जिस नाम से वहां मेंशन था डॉक्यूमेंट्स में, और अब से जो आप चाह रहे हैं करेक्ट वे में करंट तारीख में आप उसको यहां पर मेंशन करेंगे इस एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। और इसके साथ आप लोग यहां पर एक अपना एफिडेविट नंबर भी लिखेंगे, एफिडेविट नंबर भी लिख देंगे और कितनी तारीख को बनवाया था वो भी आप इसके साथ मेंशन करेंगे। अब यहां पर ये बात आती है कि हम इस न्यूज़पेपर में जो ये सब मैटर छपवाएंगे इसके बारे में हम क्या करें, इसके लिए भी आप दोबारा से अपनी पहली स्टेप वाले इसी चीज पे जाएंगे जो कि है एडवोकेट। आप उनसे पूछेंगे कि मुझे विज्ञापन को समाचार पत्र में प्रकाशित कराना है तो मैं इसके लिए क्या मैटर लिखवाऊं। न्यूज एजेंसी वाले भी आपको इस चीज के बारे में दे सकते हैं, लेकिन विधिवत रूप से आप सभी को वकील से ही अपना इसके बारे में परामर्श लेना चाहिए। अब बात क्या होगी कि आप इस बारे में यहां पर एक एडवर्टाइजमेंट करेंगे, कम शब्दों में चीजें लिखी जाएंगी क्योंकि यहां पर जो चार्जेस होते हैं, जो ये चार्जेस लेते हैं न्यूज पेपर वाले, ये आपके शब्दों के हिसाब से लेंगे, कितने वर्ड्स हैं, कितने लेटर्स हैं, समझ रहे हो, इस हिसाब से यहां पर पैसा डिसाइड होता है। तो इसीलिए कम शब्दों में पूरी बात यहां पर लिखी जाती है, क्लियर है। समाचार पत्र में आपने इस चीज का विज्ञापन डालना है। अब इस चीज का जो खर्चा होगा ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूं, लेकिन 1500-1500 कुछ कुल मिलाकर के इतना ही आपका टोटल खर्चा लगेगा न्यूज़पेपर में प्रिंट करने का, अधिक से अधिक। अब बात आती है कि कौन से न्यूज़पेपर में लिखा है और कितने न्यूज़पेपर में, तो दो न्यूज़पेपर में आप लोग इस चीज को छपवाएं, और इन दो न्यूज़पेपर में आप ऐसा न्यूज़पेपर सेलेक्ट करें जो नेशनल लेवल पे प्रिंट होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं कह सकता हूं कि एक अमर उजाला है, आप एक अमर उजाला यूज कर सकते हैं और एक दैनिक जागरण भी आप यूज कर सकते हैं, या कोई आप इंग्लिश वाला भी न्यूज़पेपर यूज कर सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बात एक और है जो आपने ध्यान रखनी है, जब ये आप ये एडवर्टाइजमेंट प्रिंट कराएंगे तो एक चीज का बिल्कुल सावधानी से ध्यान रखना कि जो भी आप इसमें अपना नाम लिखवाने जा रहे हैं या जो भी आप इसमें ये अपना एडवर्टाइजमेंट लिखाएंगे, इसे अंग्रेजी में ही लिखवाना, क्योंकि इंग्लिश से ही आपके नाम की स्पेलिंग को मिलान किया जा सकता है। अगर आप हिंदी में अपने नाम को लिख देंगे तो वो चीज को आप मार्कशीट में कैसे देखते हैं, मार्कशीट में तो इंग्लिश में प्रिंट होता है, तो इसीलिए आप ही अपना एडवर्टाइजमेंट अंग्रेजी में ही लिखवाना, ये आपको वकील साहब बता देंगे आपके, क्लियर है। अभी तक दो स्टेप देखी, पहला आपने एक एफिडेविट बनवाया आपने नेम चेंज का, दूसरा आपने उस एफिडेविट के आधार पर अपना न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट लिखा दिया और उस एडवर्टाइजमेंट को आपने इंग्लिश भाषा में लिखवाया, साथ में आपने एफिडेविट नंबर भी लिखवाया, जो आपने सबसे पहले एफिडेविट बनाया था उसका एक नंबर होता है, उसको भी इसमें मेंशन कर देंगे। दो समाचार पत्रों में आप इस चीज का प्रकाशन कराएंगे, उसके बाद क्या होना है, आपने समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए जिस तारीख को पैसा दिया और ये अपना मैटर दिया उन्हें छापने के लिए, तो वो लोग आपको एक डेट देंगे, एक पर्टिकुलर डेट देंगे कि भाई इस तारीख को आना और इस तारीख को आपका ये एक्सेप्ट या प्रिंट होकर के न्यूज़पेपर में आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो उन लोगों ने कह दिया कि भाई आपका जो भी ये मैटर है, ये मैटर जो है ये 10 जुलाई को प्रिंट होकर के आ जाएगा, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, तो 10 जुलाई वाला जो न्यूज़पेपर होगा आपने उस न्यूज़पेपर की कटिंग को अपने पास रख लेना है, मतलब जो पूरा पेज है उस पूरे पेज ही को अपने पास है संभाल के रख लेना और उसकी एक फोटो भी रख लेना क्लियर उसमें खींच के, है ना। और अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, सरकारी
सरकारी जो गजट होता है, एक तरह से समझो ये तो प्राइवेट न्यूज़पेपर होता है, ये जो सरकार का न्यूज़पेपर होता है सरकारी गजट, इसमें क्या होता है, इसमें जो भी सरकार के संबंधित जितने भी नीति निर्देश आते हैं, जो भी नया लॉ आ रहा है, उन सब चीजों को इसमें जरूर प्रकाशित किया जाता है, ये एक नियमावली है। तो आप लोगों ने अब सरकारी गजट में इस चीज का एक नोटिफिकेशन डालना है जिसमें आप अपना नेम को चेंज करा रहे हैं। अब जब सरकारी गजट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो ये दो स्तर पर हो सकता है आपका, या आपका जो राज्य स्तर है या आप केंद्र स्तर पर, और इस बारे में आप अधिक जानकारी अपने वकील से ले सकते हैं, वो आपको इस बारे में निश्चित तौर पर समझा देंगे कि आपके क्षेत्र का गजट के लिए, आपको सरकारी गजट के लिए किस ऑफिस में विजिट करना है, कहां पर उनका एड्रेस है, वो सब चीजें, क्योंकि स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, तो मैं यहां पर वीडियो में हर स्टेट के एड्रेस नहीं दे सकता, ये आप अपने वकील से पूछ सकते हैं, उनका रोज का काम होता है, वो आपको सब बता देंगे। सरकारी गजट में आप इस चीज का भी नोटिफिकेशन डलवाएंगे जिसमें आप अपना नेम चेंज करने के लिए कर रहे हैं। अब जब सरकारी गजट में आप नोटिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहां पर आपसे यही दो चीजें मांगी जाती हैं, एक आपका ये न्यूज़पेपर वाला चीज और दूसरा आपका ये जो हमने शुरू में ये एफिडेविट बनवाया था, ये दो चीजें आपकी यहां पर भी काम आएंगी। क्लियर है? ठीक है, बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, इतना मुझे विश्वास है। तो कुल मिलाकर के आप लोगों ने क्या क्या समझा कि पहले आपने एक एफिडेविट बनवाया, ठीक है, दूसरे स्टेप पे आपने ये न्यूज़पेपर में आप लोगों ने इसका वो विज्ञापन दिया, तीसरे स्तर पर आपने इसको गजट में प्रकाशित करवाया। ये तीन चीजें करने के बाद अब जब आप अपने नेम करेक्शन में जाते हैं, मतलब किसके नेम करेक्शन में, स्टूडेंट के नेम करेक्शन में, तो इसके बाद जब आप लोग के सामने एक ऑप्शन आएगा जिसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का आपको वो डालने के लिए बोलता है, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपने क्या करना है, आपने यही दो चीजें डालनी है, क्योंकि NIUS आपसे क्या मांग रहा है, NIUS आपसे दो चीजें मांग रहा है, एक ये जो समाचार पत्रों में छापा है आपने, और दूसरा आपने जो गजट में छापा है, इन दोनों के आप इस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अपलोड कर देंगे, और उसके बाद जो निर्धारित शुल्क है, जितना भी फीस है जो भी NIUS ने डिसाइड करा है, उसको आप पे करेंगे। सक्सेसफुल पेमेंट सबमिशन होने के बाद आपकी सर्विस वहां पर चली जाएगी, और वहां पर वो आपको स्टेटस में नीचे आप देख सकते हैं, वो धीरे धीरे करके जैसे एक्सेप्ट, अप्रूव्ड, कंफर्म्ड जो भी आता है वहां पर से वो चीज हो जाएगी। क्लियर बात? इसमें कोई भी आपको टेंशन नहीं हो रही होगी अब, जितना आपको समझा दिया है। एक बार आप देखेंगे कि वहां पर आपकी सर्विस एक्सेप्ट हो गई, सर्विस आपकी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, या जो भी आपकी रिक्वेस्ट थी उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, आपने कहा कि भाई स्टूडेंट नेम करेक्शन का हमने ये मांगा था और हमने गजट भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, तो उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, आपने देख लिया ना उसकी उस स्टूडेंट डेटाबेस में भी आपका नाम अब रिफ्रेश होकर के वाला नाम दिख रहा है जो आपने बोला था, आप उसमें देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास ओल्ड मार्कशीट वाले स्टूडेंट हो आप, मतलब आप ऐसे स्टूडेंट थे जिसने पहले NIUS से परीक्षा पास करी थी, लेकिन अब वो अपना नेम करेक्शन के लिए अप्लाई कर रहा था, क्योंकि मैंने आपको यहां पर बताया कि यहां पर कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है आपकी नेम करेक्शन के लिए, आप पर्टिकुलर टाइम के अंदर आओ, अब कोई भी स्टूडेंट आ सकता है, हालांकि उसने 5 साल पहले 10वीं पास करी हो, है ना, तो उसके पास तो मार्कशीट है, अब उसका क्या होगा, उसका नेम तो उसने करेक्ट करवा दिया ये डॉक्यूमेंट लगा के, न्यूज़पेपर और गजट की वो नोटिफिकेशन की अपनी फाइल वाइल बना के उसने अपलोड करके फीस दे के करवा दिया, लेकिन अब उसको क्या करना होगा, अब उसको एक और कार्रवाई करनी होगी, उसने क्या करना है, ये पुरानी मार्कशीट को NIUS को क्या करना है, सरेंडर करना है, इसको इसको यहां पर सुपुर्द कर देना है, NIUS को वापस करेगा ये पुरानी मार्कशीट, तब जाकर के ही इसको न्यू वाली जो न्यू अपडेटेड मार्कशीट है वो मिलेगी, न्यू अपडेटेड मार्कशीट उसको मिलेगी। क्लियर बात है? अब बात आती है कि वो ये न्यू अपडेटेड मार्कशीट के लिए पुरानी मार्कशीट को कहां पर सरेंडर करे, किसके पास जाए। दो ऑप्शन आते हैं हमेशा जब भी ऐसा सवाल आए, तो अपने रीजनल सेंटर में जाओ, या आप जाओ अपने अपना क्या है जो सबका है हेडक्वार्टर, जो मुख्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय में पहले जाओ जो आपका संबंधित राज्य का है, और दूसरा या तो मुख्यालय में जाओ, मुख्यालय आप सभी को मालूम है ये नोएडा दिल्ली उस तरफ पे, और जो ये क्षेत्रीय कार्यालय होता है ये प्रदेश की राजधानी में होता है, जो भी आपका स्टेट है वहां की जो कैपिटल होगी वहीं पर ये आपका सिचुएटेड होता है। वहां पर आप लोग एक बार इस चीज के बारे में जानकारी लेते हैं, वहां आप इसको सरेंडर करते हैं, फिर उसके बाद आप रिवाइज्ड मार्कशीट के लिए वहां पर अप्लाई करके अपनी मार्कशीट को एक्सेप्ट कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट ये रहा पूरी की पूरी जानकारी रिलेटेड टू योर नेम करेक्शन। ठीक है, तो ये नेम करेक्शन का पूरा नियम है, इस तरीके से अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो निश्चित तौर पर आप सभी की जो आपने रिक्वेस्ट डाली है वो अप्रूव्ड भी होगी और आपके दस्तावेज आपको नवीनतम जो भी आपने यहां पर सुधारों के लिए आवेदन करा था उसके तहत आपको प्राप्त हो जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी कुछ ऐसा रह गया है जो वीडियो में आप लोगों को समझाया ना गया हो या एक आध बात कोई रह गई हो, हालांकि कोशिश पूरी की गई है कि कोई बात रह ना जाए, फिर भी कोई बात रह जाती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। जल्द ही आप लोगों के साथ मुलाकात होगी अब एक नए और वीडियो के साथ, जिसमें हम अन्य चीजों के बारे में समझेंगे या अन्य करेक्शन के बारे में समझेंगे, जिसमें मुख्यतः रूप से फादर नेम करेक्शन, मदर नेम करेक्शन और डेट ऑफ बर्थ करेक्शन या फोटोग्राफ करेक्शन की बात को लेकर के NIOS के क्या नियम है, क्या नए नियमावली है और किस किस तरीके से आप उन चीजों के लिए आवेदन कर सकते हैं ताकि आपकी जो भी रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो जाए और आप लोगों का काम इजिली वे में हो जाए। टिल देन अपना ख्याल रखें। थैंक यू एवरीवन।